नाला सुपारा पश्चिम से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नाला सुपारा पुलिस स्टेशन अंतर्गत टाकीपाड़ा क्षेत्र में 30 जनवरी की रात मस्जिद और ट्रस्ट को लेकर हुए विवाद में 5 लोगों ने बिल्डर पर चाकू से हमला कर दिया था। शुक्रवार सुबह एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान बिल्डर की मौत हो गई थी। पुलिस ने हत्या में मृतक मुच्चू भाई का मामला दर्ज करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस घटना से क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। आपको बता दें कि 30 जनवरी की रात 8:30 बजे नाला सुपारा पश्चिम स्थित टाकीपाड़ा निवासी रौफ अब्दुल्ला शेख और मुस्बिर मोहम्मद अमीन डायर उर्फ मुच्चू भाई नमाज पढ़कर गौसिया मस्जिद के बाहर आपस में बातचीत कर रहे थे। उसी समय वहां इरशाद इसराइल उर्फ बंटी, अबरार इसराइल खान उर्फ पप्पू, इम्तियाज इसराइल खान उर्फ चीमी, अतारू खान और इमरान यूसुफ शेख पहुंचे और मस्जिद ट्रस्ट के पुराने विवाद को लेकर दोनों से मारपीट करने लगे। विवाद के दौरान इरशाद इसराइल उर्फ बंटी ने चाकू से मुस्बिर मोहम्मद अमीन डायर उर्फ मुच्चू भाई पर हमला कर दिया। इस हमले में मुस्बिर बुरी तरह जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के चलते उन्हें मुंबई के नायर अस्पताल में भेज दिया गया। शुक्रवार की सुबह उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हालांकि पुलिस की ओर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। नाला सुपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।